हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? इस वक्त तकरीबन 1:15 बज रहा है और मैं अभी बिल्कुल तैयार हूँ। थोड़ी देर में मेरी गाड़ी आ रही है और आज चूँकि वर्क फ्रॉम होम था मेरा और सेकेंड हाफ में मुझे ट्रैवल करना था, अभी निकलते हैं और कहाँ जा रहे हैं ये आपको पहुँच के बताऊँगा, क्योंकि अभी हमारी जो गली है वो दिल्ली से आ रही, उनको पिक करेंगे एयरपोर्ट से, उसके बाद लखनऊ को अलविदा करेंगे। हम चल दिए हैं और अभी जो है एयरपोर्ट जाना है और एयरपोर्ट के बाद हम जाएंगे अपने रास्ते पे। कहाँ जाएंगे ये पहुँच के बताते हैं, हम उस रास्ते पे आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किधर जा रहे हैं। मैडम की फ़्लाइट लेट है और मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा तो लग रहा है। देखिए, असल में लगेज उनको नहीं मिला है ना, लगेज मिल जाएगा तो टाइमली छूट जाएंगे हम लोग लखनऊ से। तो इस वक्त हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हैं और ये 340 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। सरकार ने इतनी जल्दबाजी में बनाया है कि मतलब प्लेन ही जैसे इसको उतारने थे। खैर, मोदी जी भी प्लेन उतार के उतरे थे यहाँ पे और 6 लेन का है, इतनी धीमी धीमी गाड़ी चल रही है कि पहुँच आ रही है। बाकी फुटेज आपको दिखाते रहेंगे। और सारा सफ़र करने के बाद हम गाज़ीपुर आ गए और ये है हमारा रूम। अब इसमें बहुत टूर करने वाला तो कुछ ऐसा क्रांतिकारी अद्भुत तिलिस्मी है नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं। ये नॉर्मल रूम है अपना, छोटे शहरों में छोटा रूम। और डोब है सामने, ये वॉशरूम है ना, देख लीजिए भाई, देखना है तो जी भर के, सच और कुछ है नहीं। तो अभी थोड़ा आराम किया जाए, फिर डिनर करते हैं। अच्छा, आज चूँकि ट्रैवल कर रहे थे तो दिन भर ट्विटर वगैरह देख नहीं पाए, बट आज भारत बंद था, है ना। और भारत बंद के साथ साथ ये भी एक समस्या थी कि जो अग्निवीर स्कीम को लेकर के, यानी कि अग्निपथ स्कीम जो है ना, उसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे वो अग्निवीर बनेंगे, तो जो अग्निपथ स्कीम थी उसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। इतने दिन से कोई कुछ बयान दे रहा था, कुछ बयान दे रहा था, बट कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे डिफेंस के लोग थे ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि पहली चीज़ तो ये स्कीम रोल आउट हुई है तो ये रोल बैक नहीं होगी। दूसरी चीज़, जो भी लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन्होंने तोड़फोड़ करी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको कभी सेना में आने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ सेना की बात मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है सेना से जुड़े जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि सशस्त्र सेना बल, उनकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा उन्होंने जो भी चीज़ें थी कहा कि मतलब हम 4 साल के लिए लोगों को लेंगे, है ना, उसके बाद फिर हम 4 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट के बाद हटा देंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, मैं बहुत दूर ना जा कर के इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना मेरी नॉलेज है डिफेंस के बारे में, वो ये है कि जब आप किसी एकेडमी से ग्रेजुएट होते हैं डिफेंस की ना, तो इमीडिएटली आपको राइफ़ल पकड़ा के सरहद पर ही तैनात कर दिया जाता है। आपकी ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती है, आपके लीडरशिप कोर्सेज होते हैं, कमांडो कोर्स है। मैं आर्मी का थोड़ा ज़्यादा बता पाऊँगा क्योंकि आर्मी से मेरा ताल्लुक रहा है काफ़ी नज़दीक। इन्फेंट्री के कोर्सेज होते हैं, है ना, फिर अलग अलग यूनिट और कोर के कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज के अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि टाइम टू टाइम आपकी जो लीडरशिप है और जो और डिफेंस के जो बाकी अंग हैं
उनके साथ कैसे आप कोलैबोरेट करते हो, इन सब पे आपका काम होता है। और एक नॉर्मल अधिकारी या जवान को ट्रेन करने में 3-4 साल लग जाते हैं। अब ये जो नए नवेले रंगरूट आएंगे इस अग्निपथ स्कीम में, वो कैसे ट्रेन होंगे इतनी जल्दी, क्योंकि उनको आप 6 महीने के लिए, साल भर के लिए अगर जो भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो, इमिडिएटली तो आप उन्हें डिप्लॉय करोगे नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप डिप्लॉय भी करते हो तो उनको कहाँ डिप्लॉय करोगे भाई? बहुत इंसर्जेंसियल एरिया में करोगे, बॉर्डर में करोगे, पीस कीपिंग ऑपरेशंस में उनको रखोगे? ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत है। सरकार, ठीक है, सरकार डिसीजन लेती है, वो पॉलिसी बनाती है, स्ट्रैटेजी बनाती है, बट मेरा सवाल यही है कि आखिर क्या सोच करके आप पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बनाते हैं? क्योंकि एक तरफ आप जो अनस्किल्ड यूथ है उसको आप अपने यहाँ बुला रहे हैं, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी उसकी ट्रेनिंग हो नहीं सकती। यही एक्स ऑफिसर्स भी यही कह रहे हैं। आप सोशल मीडिया और जो मीडिया पे, मेनस्ट्रीम मीडिया पे जो ऑफिसर्स आ रहे हैं और बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, उस पर मत जाइए। उसको समझ लीजिए कि वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं सरकार के, है ना। आप उन लोगों पे जाइए जो एक्चुअल रिटायर्ड हुए हैं और उनकी स्टेटमेंट सुनिए कि ट्रेनिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करती है एक डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, वो कैसे होगा? ये बड़ा सवाल है मेरा, और मुझे लगता है कि इस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस सब के अलावा हमें एक बहुत जो ज़रूरी चीज़ है वो ये भी देखना पड़ेगा कि जो बंदे, यानी कि जो तैयारी करने वाले जो लोग थे, वो आज जो बवाल कर रहे हैं, जो रोड पे कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? इतने दिन से जो आपने भर्ती बंद कर दी थी, उस भर्ती को आपने चालू नहीं किया, उसकी जगह आप एक नई पैकेजिंग में आप घुमा फिरा के एक नई स्कीम ले आए कि आप 4 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद हटा देंगे। बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है भाई, मतलब सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकते। क्योंकि किसान का बेटा होता है, गरीब घर के बच्चे होते हैं जो जवान बनते हैं, और उनको आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। एक नेता कहते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं कि उनको हम चौकीदार के तौर पर रखेंगे भाजपा कार्यालयों में। एक अजीज़ सो कॉल्ड, मतलब मैं कहूँगा अजीज़ नहीं कहूँगा बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कहते हैं हम अपने यहाँ उनको जो है नौकरी देंगे। अरे भाई, जो ऑलरेडी सर्विंग से अभी रिटायर्ड हुए हैं और जो पुराने रिटायर्ड हुए हैं, उनको तो आपने नौकरी दी नहीं, और सरकार के एक डिसीजन पे आप आ जाते हैं आगे कि भाई ठीक है हम नौकरी देंगे। तो इतना आसान नहीं है नौकरी देना, उसके पीछे की आप सारी साइंस को समझिए, उसके पीछे की जो इकोनॉमिक्स है उसको समझिए। इतना आसान है ही नहीं कि आप किसी को उठा के आप नौकरी दे देंगे जो सेना से रिटायर होगा, या उसको जब आप एक्स सर्विसमैन भी, इनफैक्ट उनको आप नहीं कहेंगे, ये नोटिफिकेशन कहता है। तो सरकार को सोचने की ज़रूरत है। आप डिसीजन भले ही रोल बैक मत करिए, लेकिन सोचिए कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पर जो देश में जो बेरोज़गारी है उसको आप कहाँ पर लेकर के जा रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा, बहुत स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ब्लॉग है, ब्लॉग को हम हल्का फुल्का ही रखते हैं, बट हाँ, समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। बिरयानी खाई, लेकिन ये जो बिरयानी आई है देखने में ही वाहियात लग रही है, और खा के तो क्या ही कहा जाए। दे दो भैया ग्रेवी, दे दो, रायता नहीं देते क्या यहाँ पे? क्या बात है, सही है। फिलहाल ये ग्रेवी है, इसके साथ सह लेंगे, थोड़ा वही वाला एटीट्यूड रहेगा। बाकी इतना तेज़ भैया, मतलब तेज़ पत्ता है कि नीम का पत्ता कड़वा है, याद आ गया, अल्लाह बचाए। डिनर के लिए 2 जगह गए थे, दो में से एक जगह तो उसने अभी खाने ख़त्म हो गए। ये छोटे शहरों की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पर खाना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता नहीं कौन जिन जिन्नात खा जाता है, अल्लाह जाने। दूसरी जगह गए, उस भाई ने बिरयानी बहुत तत्काल प्रभाव से निकाल के सजा के दी, पहली चीज़ तो रायता नहीं दिया। खैर, जीवन में रायता फैला हुआ है तो बिरयानी में रायता मिले ना मिले चलता है। उसके बाद भैया जो उसने हींग और तेज पत्ता इतना बुरा डाल रखा था, मतलब अल्लाह तौबा, उसने बिरयानी के नाम पे क्या जहर बनाया था। खा लिया, बचा कुचा बस और कुछ कह नहीं सकते, खुदा हाफिज़ कह के होटल पहुँचे। गनीमत थी, यहाँ बगल में ही मॉल है, मॉल में आइसक्रीम मिलती है, आइसक्रीम खाई तो थोड़ा रूह को सुकून मिला। तो अभी थक गए हैं, ट्रैवल करके आए हैं, और कल सुबह शूट वगैरह पर निकलना है। तो आज के ब्लॉग को ही समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, खूब खाइए पीजिए, मस्त रहिए, मास्क लगाइए क्योंकि कोरोना फैल रहा है, ज़्यादा फैंटम मत बनिएगा, है ना। और अपना बहुत ख्याल रखिए, सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह अपना प्यार देते रहे। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, कल मिलते हैं।